ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। ध्यान की शुरुआत करने वालों के लिए पहले श्वास पर कार्य करवाया जाएगा, शरीर पर कार्य करवाया जाएगा, क्योंकि सेंस ऑफ प्रेजेंस, अपने होने का एहसास क्या है, तो जो लोग स्वयं को जान पा रहे हैं उनके साथ आगे सराहना ध्यान होता है, सराहना मौन ध्यान। यानी उस अनुभव को जानकर या उस अनुभव की सराहना करते करते आप मौन में पहुंच गए, आश्चर्य करते करते मौन में पहुंच गए। स्व अनुभव ही ऐसी चीज है, अपना बोध ही ऐसा है, ईश्वर जिसे कहा जाए, जिसे कॉन्शियसनेस कहा जाए, परम चेतना कहा जाए, सराहना करते करते सारे गामा सराहना, ऐसी सराहना से मौन स्वतः ही प्रकट होता है, क्योंकि जो सराहना चल रही है वह अनुभव चल रहा है। सारे गामा सराहना में सा उस अनुभव को शब्द देने के लिए, अनुभव इतना साधारण है कि हर इंसान में है, हर वस्तु में है, हर पक्षी में है, हर जानवर में है, कण कण में है, अनुभव कैसा है, सादा सीधा सहज सरल। सीधा शरीर को देखोगे तो आड़ा टेढ़ा है, मगर अनुभव चेतना वो सीधी है,
कितना सहज कि जिसके साथ जुड़े वैसा हो जाए, कितना सरल। सा से सादा है तो रे से रिलेशन जो है प्रेम का है। परेम रे जो बीच में आती है प्रेम के, वो सारे गामा की रे है। उस अनुभव को शब्द देने के लिए नजदीक का शब्द प्रेम बना। प्रेम आनंद मौन, प्रेम आनंद मौन। गा अभिव्यक्ति है, गाने की, गीता की। ईश्वर की अभिव्यक्ति गीता ईश्वर का गाना है, सॉन्ग ऑफ गॉड। गा पर हर एक का गीत अभिव्यक्ति अलग अलग है। ये शब्द आपको सराहना करने में मदद कर रहे हैं। जब आप इन शब्दों को मन में याद करके अनुभव को महसूस करते हैं तो मौन स्वतः ही आता है। ने मैं कौन हूं क्या ध्यान अनुभव को जानकर सराहना होती है। अगर सराहना हो पा रही है तो जारी रखे, नहीं हो पा रही है तो केवल अपने तेजस्थान पर रहें, हृदय पर रहें, शांत बैठे रहें। सारे गामा पादा नी से आप आसानी से सराहना कर पा रहे हैं इस वक्त। आज आप सराहना ध्यान कर रहे हैं, सराहना मौन ध्यान। पा पर पारखी है, परख है, पहचान है। बिना पहचान के सराहना नहीं हो पाती। जिस चीज को आप पहचान लेते हो उसकी सराहना होती है। दा है दान, अनुभव जिसकी सराहना चल रही है। नी पर है निमित्त, शरीर केवल निमित्त रहता है। निमित्त प्रेम आनंद मौन फैले। आपकी उपस्थिति निमित्त बने। इन शब्दों पर अपने ढंग से, अपनी समझ के अनुसार मनन करते रहें और मौन आ जाए तो मौन में बैठे रहें।
आंखें बंदे ही रखेंगे। पृथ्वी पर सफेद रोशनी यानी दिव्य शक्ति आ रही है। पृथ्वी से सुनहरी रोशनी यानी चेतना उभर रही है। विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। सभी प्रेम, आनंद और शांति के लिए खुल रहे हैं, खिल रहे हैं। मन में ये भाव रखते हुए विश्व शांति के लिए एक साथ एक ही समय पर प्रार्थना करें तो पूरे विश्व की चेतना बढ़ेगी। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं। अपनी प्रार्थना और ध्यान से अर्जित बल को तपर्पण करके मन ही मन में पंक्तियां दोहराएं।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।